नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। पीएम मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन करते नजर आए। इस एक्सप्रेसवे की वजह से अब दिल्ली से जयपुर की दूरी जो है वो केवल 3.5 घंटे की हो जाएगी। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद इससे होने वाले तमाम फायदों को गिनाया। 2024 तक ये पूरा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। अब सवाल ये है कि एक्सप्रेसवे की डगर से ही क्या बीजेपी 2024 का चुनावी सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की सड़क है ये। लेकिन इसी सड़क में 24वीं सत्ता तक पहुंचने का सपना भी रचा बसा है। दिल्ली से मुंबई की दूरी को महज 10 घंटे का कर देने वाली ये सड़क 24 के रण में बीजेपी का अहम हथियार साबित हो सकती है। जी हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। सड़क पर आइए, फर्राटा भरते जाइए। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ेंगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ रहा है एक्सप्रेसवे। यानी एक प्रकार से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा करने वाला ये हाईवे है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस हाईवे के निर्माण में वैसे हमारे विभाग ने 6 रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। 2 रिकॉर्ड इसी हाईवे पर हुए हैं। ये हाईवे बनाते समय प्रधानमंत्री जी ने गतिशक्ति योजना में ये कहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इसी हाईवे पे हमने ये आई हाईवे भी, इसमें हमने ऑप्टिक फाइबर केबल डालने का भी काम पूरा किया है। इसी एक्सप्रेसवे पर आज तक की टीम भी पहुंची जायजा लेने। किसी भी देश के सड़कें या फिर रोड ये बताते हैं कि आखिर वो देश किस तरीके से विकसित हो रहा है। दिल्ली से मुंबई तक का सफर 12 घंटे में तय करना शायद एक सपना था, लेकिन ये सपना सच होने की ओर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से फिलहाल दौसा यानी कि सोना रोड से दौसा तक का रोड जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और ऐसे में 225 किलोमीटर लंबा ये सफर बेहद आरामदायक होने वाला है। आज पीएम मोदी ने 1386 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन किया। ये 246 किलोमीटर लंबा है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। कहा कि एक्सप्रेसवे की वजह से रोजगार के अवसर मिलेंगे, विरासत के साथ साथ विकास भी बढ़ेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला फेज बनकर तैयार हो गया। देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण 246 किलोमीटर लंबा है। पहले फेज में सोहाना, नूह, अलवर, दौसा को एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। अब दिल्ली जयपुर का सफर मात्र 3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। सफर में हमेशा आपको याद रहता होगा कि जब भी आप सफर करते हैं तो आपके दिमाग में एक बात रहती है कि मैं क्यों ना किनारे वाली सीट पर बैठूं, यानी कि विंडो सीट पर बैठूं। और विंडो सीट पर सफर का आनंद अपने आप में नायाब भी होता है और आपको मजा भी देता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दिल्ली से मुंबई तक के सफर की एक झलक। बाहर विंडो सीट पर आप देखिए कि किस तरीके से नज़ारा आपको नजर आ रहा होगा। ये शायद अद्भुत भी है और ये समझाता है कि अमूमन ऐसे नज़ारे या इस प्रकार के रोड्स आपने विदेशों में देखे होंगे। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये भी है कि रास्ते में कोई टोल बूथ नहीं मिलेगा, सिर्फ फास्टैग से ही टोल कटेगा। हर 60 किलोमीटर की दूरी पर रेस्ट एरिया बनाया गया है, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट, हॉस्पिटल, ढाबा और पार्किंग सुविधा मिलेगी। जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार
गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। इस एक्सप्रेसवे की एक नई खासियत है, अगर कोई कार बीच सफर में चलते चलते कहीं रुक जाती है तो तुरंत कंट्रोल रूम तक सूचना पहुंच जाएगी, क्योंकि एक निश्चित दूरी पर 360 डिग्री रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे करीब 1380 किलोमीटर लंबा है, ऐसे में दिल्ली से मुंबई तक का सफर तो 12 घंटे का हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ जो पहला चरण होगा यानी कि दौसा तक, वो करीब आप आसानी से 1.5 से 2 घंटे में कर सकते हैं इसका सफर। इसके अलावा एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि ये सड़क जो है वो आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत भी करेगी। कैसे, जरा ये समझिए, करीब 6 राज्यों से ये सड़क होकर गुजरेगी, दिल्ली से मुंबई कनेक्टिविटी बनेगी, मुंबई से वडोदरा कनेक्टिविटी बनेगी, इसके अलावा जो बड़े शहर हैं अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, वो तमाम शहर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूती देने वाला ये एक्सप्रेसवे अपने आप में साबित होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, इसके बनने से देश को नई गति मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप भी होगी, जहां आपात स्थिति में सेना के फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे। 1300 किलोमीटर से भी लंबा ये एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और भारत के बहुत विशाल प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का एक अहम अंश भी है। सरकार की कोशिश ये है कि 6 राज्यों से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे 2024 तक तैयार हो जाए, ताकि यात्रियों को इन 6 राज्यों से सफर करने की सुविधा जल्द ही प्राप्त हो सके। ये एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है, जिसमें प्लान ये किया गया है कि देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को वर्ल्ड क्लास सड़कों से जोड़ा जाए। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेंगे। भोपाल, इंदौर, कोटा और सूरत जैसे शहरों को भी इसका सीधा फायदा होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अनेक जिलों को बहुत लाभ होगा। हरियाणा के मेवात और राजस्थान के दौसा जिले, ऐसे जिलों में कमाई के नए साधन तैयार होने वाले हैं। इस आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवला देव और रणथंभौर नेशनल पार्क, जयपुर, अजमेर जैसे अनेक पर्यटक स्थलों को भी होगा। वैसे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से निर्माण कार्य धीरे हुआ, इसीलिए नई डेडलाइन 2024 तय की गई। जाहिर सी बात है कि 24 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और अपनी इस एक्सप्रेसवे की उपलब्धि को लेकर बीजेपी जरूर चुनाव में उतरेगी। दौसा से देवंकुर वधावन और मिलन शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली आज तक। मोदी सरकार के आने के बाद से देश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे के मामले में जबरदस्त तरक्की देखी है। 12 किलोमीटर हाईवे 2014 में हर रोज बनते थे, लेकिन अब 30 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे हर रोज बनते हैं। सरकार को पता है कि समृद्धि की मंजिल जो है वो हाईवे पर चलकर मिलेगी। ये रिपोर्ट दिखाते हैं और देखिए कैसे मोदी सरकार ने शहर शहर हाईवे का जाल बिछाया। ये रोड क्रांति है जो मोदी सरकार की नई पहचान बन गई। जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, उसको 2014 के बाद से मोदी सरकार ने मिशन मोड में ले लिया। रफ्तार के साथ रफ्तार वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सारी अड़चने दूर हो रही है और नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से मुंबई के बीच हवाई जहाज से लेकर ट्रेनों तक पर निर्भरता को कम कर देगा। 10 से 12 घंटे के भीतर दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने का सपना साकार होने वाला है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है।
ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि आवाजाही से आसानी से ही समृद्धि का रास्ता खुलता है। कारोबार से लेकर तरक्की सब कुछ रफ्तार वाले रास्तों से जुड़ी है। और यही वजह कि मोदी सरकार का एक बड़ा एजेंडा लगातार ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने पर है। पीएम ने राजस्थान की धरती से सरकार की तो तारीफ की ही, मगर कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। पीएम ने कांग्रेस पर कई प्रहार किए। उन्होंने आह्वान किया कि राजस्थान में तरक्की चाहिए तो दोबारा बीजेपी की सरकार लानी होगी। अब राजस्थान को अस्थिर सरकार से मुक्ति चाहिए, अनिश्चितता से मुक्ति चाहिए। अब राजस्थान को स्थिर और विकास वाली सरकार चाहिए, तभी राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो पाएगा। बीजेपी का पूरा फोकस रोड नेटवर्क का बहुत बड़ा जाल बिछाने पर है। इस मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनका पूरा ध्यान शहरों के बीच सफर को कम से कम करने पर है। अब जरा आपको उन हाईवे के सफर पर लेकर चलते हैं जो मोदी राज में बने हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की झलक तो आप पहले ही देख चुके हैं। पिछले साल जुलाई में खुला था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। जरा इसकी एक झलक देखिए, इसने बुंदेलखंड को दिल्ली से करीब ला दिया। 250 से ज्यादा पुल वाला ये एक्सप्रेसवे नायाब है। दिल्ली से चित्रकूट की दूरी इस हाईवे से 630 किलोमीटर तक रह गई। वक्त लगेगा सिर्फ 6 घंटे। पहले दूरी थी 700 किलोमीटर और वक्त लगता था 12 से 14 घंटे। और इस तस्वीर को भला कौन भूल सकता है जो 16 नवंबर 2021 की, और तब पीएम नरेंद्र मोदी का विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा था। जी हाँ, हाईवे पर विमान। 2018 में एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ था, पीएम मोदी ने ही नींव रखी और 2021 में उन्होंने ही उद्घाटन किया। ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर लड़ाकू विमान तक उतर सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का है, गाजीपुर से लखनऊ तक बना है। इससे पूर्वांचल का विकास हो रहा है। पिछले ही साल पीएम ने नागपुर से मुंबई तक के समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का भी उद्घाटन किया था, जो अहमदनगर के शिरडी तक बना है। ये एक्सप्रेसवे 520 किलोमीटर का है। और 2018 में दिल्ली वाले ये देखकर हैरान थे कि दिल्ली से मेरठ का सफर कितना आसान हो गया है। तब दिल्ली से मेरठ तक के एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई थी। इस पर 841 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2014 में हर रोज करीब 12 किलोमीटर हाईवे बना था, आज 30 किलोमीटर हाईवे हर रोज बनता है। एक चार्ट के जरिए समझिए अब कितनी रफ्तार के साथ हाईवे बन रहे हैं। 2014 में करीब 4,400 किलोमीटर हाईवे बने, 2015 में 6,000 किलोमीटर हाईवे बना, फिर रफ्तार आई 2016 में, पहली बार 8,200 किलोमीटर का हाईवे बनने का करिश्मा हुआ। 2017 में 9,800 किलोमीटर हाईवे बने, 2018 में पहली बार 10,000 का आंकड़ा भी पीछे छूट गया, जब करीब 11,000 किलोमीटर हाईवे बना। 2019 में भी 10,200 किलोमीटर हाईवे बनाए गए। 2020 फिर नया रिकॉर्ड लेकर आया, पहली बार 13,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बनाने का बड़ा मिशन हासिल किया गया। 2021 में फिर 10,500 किलोमीटर हाईवे बना। साफ है कि मोदी सरकार का मिशन नई मंजिलें छूना है। 2024 के चुनाव में इन उपलब्धियों का जिक्र जरूर होगा और कोशिश यही रहेगी कि इन रास्तों से एक बार फिर 2024 की सत्ता तक पहुंचा जा सके। आज तक ब्यूरो।